सिक्किम के एक युवक को नस्लीय दुर्व्यवहार का करना पड़ा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिलीगुड़ी टुडे, मैं आप सभी के साथ उमा शाह। बेंगलुरु से एक बेहद ही निंदनीय खबर सामने आई है, जहां पर सिक्किम के एक युवक को नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सिक्किम का युवक बेंगलुरु में पार्टी मनाकर अपने रूम जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे पीछे से घेर लिया और उसे बार बार चाइनीज कहकर पुकारने लगे। उस युवक ने बार बार कहा कि वह चाइनीज नहीं है बल्कि एक भारतीय है। यह कहने के बाद भी उसे बार बार चाइनीज कहकर पुकारा गया और थोड़ी ही देर बाद उसे पीछे से वार किया गया और उसे लाते भी मारी गई। फिलहाल उस युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही उन बदमाशों की तलाश भी जारी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं डिटेल्स में। घायल युवक की पहचान पश्चिमी सिक्किम के रिनचेंगपोंग के निवासी 30 वर्षीय दिनेश सुब्बा के रूप में हुई। इस घटना पर दिनेश सुब्बा ने कहा कि बुधवार सुबह करीब 3 बजे जब वह दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपने रूम में जा रहे थे तो 3 बाइक सवार उनके पास आए। बाइक पर पीछे बैठे 2 लोगों ने उसे चाइनीज कहते हुए अपने हाथों से उसके सिर पर वार किया। दिनेश सुब्बा ने कहा कि मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि वे मुझे चाइनीज कहना बंद करें क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं पश्चिमी सिक्किम से हूं, लेकिन तीनों ने मुझे चीनी कहना जारी रखा और जैसा कि मैं उन पर चिल्लाया वे चले गए। हालांकि कुछ मिनट बाद किसी ने कथित तौर पर दिनेश सुब्बा को फिर से पीछे से वार किया। उन्होंने कथित तौर पर उसके सिर और नाक पर किसी औजार से वार किया और लात भी मारी। उन्हें संदेह है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा वे वही लोग थे जिन्होंने पहले उन्हें चाइनीज कहकर पुकारा था। इस घटना के बाद सुब्बा आगे की ओर चलते रहे, लेकिन जल्दी एक सुपरमार्केट के पास जाकर वे बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त इलाके में काम कर रहे सुरक्षा गार्डो ने उसे जगाया तो उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास कोई शर्ट नहीं थी और उसका बैग भी गायब था। इसके बाद सुब्बा ने अपने जीजा दीपक को बुलाया। दीपक ने कहा कि जब तक वे पहुंचे तब तक पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज का स्कैन किया, लेकिन तीनों उसमें कैद नहीं हो पाए। हालांकि शिकायत के आधार पर प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।